हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th के एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की एक सिंपल सी आइडेंटिटी। जी हाँ, और ये सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके सीबीएसई इंस्टीट्यूट सैंपल पेपर ईयर 2023 के सेक्शन बी में भी दी हुई है। ये इस तरह से है कि लेफ्ट हैंड साइड में है 10³ थीटा डिवाइडेड बाई 1+10² थीटा प्लस cot³ थीटा डिवाइडेड बाई 1+cot² थीटा और राइट हैंड साइड में है sec थीटा cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। तो हमें यह आइडेंटिटी प्रूव करनी है, LHS को RHS के इक्वल प्रूफ लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कंसिडर करता हूं लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले, जो कि है 10³ थीटा डिवाइडेड बाई 1+10² थीटा प्लस cot³ थीटा होल डिवाइडेड बाई 1+cot² थीटा। देखिए 1+10² थीटा ये बन जाएगा sec² थीटा और ये है 1+cot² थीटा ये बन जाएगा cosec² थीटा, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी ये है 1+10² x इज नथिंग बट sec² x और 1+cot² x इज इक्वल टू cosec² x। यहां पे x को मैं थीटा एज्यूम करके आइडेंटिटी लगाता हूं तो LHS बन जाता है 10³ थीटा होल डिवाइडेड बाय sec² थीटा प्लस cot³ थीटा डिवाइडेड बाय cosec² थीटा। चलिए अब 10 और sec और cot और cosec, ये जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनको मैं sin और cos में कन्वर्ट कर देता हूं। किस तरह से देखिए, ये जो 10³ थीटा है ये बन जाएगा sin³ थीटा डिवाइडेड बाय cos³ थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर तो ये हो गया और जो sec² थीटा है ये बन जाएगा 1/cos² थीटा। सिमिलरली cot³ थीटा है ये बन जाएगा cos³ थीटा डिवाइडेड बाय sin³ थीटा होल डिवाइडेड बाय cosec² थीटा बनेगा 1/sin² थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाली फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, यहां पे भी यही होगा cos³ थीटा डिवाइडेड बाय sin³ थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin² थीटा डिवाइडेड बाय 1। ये कैंसिल हुआ, एक पावर कम हो गई इसकी। यहां पे भी देखिए पूरा कैंसिल हुआ, एक पावर कम हो गई। यहां पे फाइनली आपको मिला sin³ थीटा डिवाइडेड बाय cos³थीटा प्लस cos³थीटा डिवाइडेड बाय sin³थीटा। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं, पहले मैं यहां पे कॉपी करूंगा, मैं एक बार फिर से कॉपी करता हूं रिजल्ट को लेफ्ट हैंड साइड को। ये था sin³थीटा अपॉन cos³थीटा प्लस cos³थीटा अपॉन sin³थीटा। जैसा मैंने कि मैंने आपको कहा, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा sin⁴θ प्लस cos⁴θ होल डिवाइडेड बाई sin³θ cos³θ। ठीक है, अब देखिए इसे किस तरह से करते हैं। यहां पर न्यूमरेटर में 2 sin² θ cos² θ ऐड करता हूं और सेम 2 sin² cos² θ सबट्रैक्ट करता हूं। किस तरह से, देखो मैं इसको लिखता हूं sin⁴θ प्लस cos⁴θ प्लस 2 sin² θ cos² θ माइनस 2 sin² θ cos² θ। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो न्यूमरेटर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि जो चीज मैंने ऐड की है वही सब्ट्रैक्ट कर ली है, तो जो टोटल रिजल्ट है वो तो सेम ही है। ठीक है, और नीचे यहां पर है sin⁵ cos⁵। अब यहां पे ऐसा मैंने क्यों किया है, देखिए मैं अपना पर्पस बताता हूं, मैं इन तीनों को कंबाइन करूंगा। अब यहां देखिए आप, यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, आइडेंटिटी ये लग रही है कि x² + y² 2x² + y² = x² + y² का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहां पे मैं यूज करता हूं, x को मैं sin⁵ समझता हूं, y को मैं cos⁵ समझता हूं, तो ये बन जाता है, लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है sin²θ प्लस cos²θ का होल स्क्वायर। तो ये तीनों टर्म्स मिलके क्या बन गई, sin²θ प्लस cos²θ का होल स्क्वायर, बाकी यहां पर है -2 sin²θ cos²θ, ये है होल डिवाइडेड बाय sin⁵ cos⁵। और जैसा कि आपने पढ़ा है sin²θ प्लस cos²θ क्या होना चाहिए, 1। ये तो काफी फेमस आइडेंटिटी है, आपको पता होगी, तो ये हो जाता है 1² मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता। ठीक है, ये हो जाएगा 1 - 2 sin²θ
कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये क्या बनेगा, ये है वन अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन कॉस थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है कॉसेक थीटा सेक थीटा। क्यों? क्योंकि वन अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा और वन अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे साइन थीटा कैंसिल हो गया, सिर्फ यहां पे एक पावर रह जाएगी, ये भी कैंसिल होगा और यहां पे सिंपली हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा विद नेगेटिव साइन। तो ये क्या चीज है, आप देखिए ध्यान से, ये जो इस चीज को देखिए ये आरएचएस है, तो इसका मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है।